इस जनपद को धन्य किया है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जहां एक ओर जनपद की 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस जनपद में लाने के लिए अहर्निश प्रयास किया, उन योजनाओं का स्वागत होली के पूर्व आप सबको प्राप्त हो रहा है, वहीं साथ ही साथ आज देश की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सबसे पहले जमीनी धरातल पर उतारने वाला कोई जनपद, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एग्रीस्टेक योजना, इस योजना को जमीनी धरातल पर उतारने वाला पहला जनपद, आज किसान क्रेडिट कार्ड की 10 मिनट के अंदर लोन की सुविधा से जुड़ने वाला पहला जनपद देश का फर्रुखाबाद बना है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। अब इस योजना के लागू होने से हम सब जानते हैं कि यह योजना जैसे ही लागू होगी, होने के साथ ही एग्रीस्टेक योजना के कारण यहां पर डिजिटली केसीसी की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए चार बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी सहयोग कर रहे हैं। यहां की सफलता के बाद पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि पायलट इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने पहले चरण में जनपद फर्रुखाबाद को लिया। और फर्रुखाबाद के बारे में जब यहां पे चर्चा भी माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि यहां के लोग बार बार कहते थे संखिसा धाम का हम सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं और संखिसा धाम दिव्य धाम के रूप में प्रस्तुत होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाबा नीम करौली के धाम के भी सुंदरीकरण की एक कार्य योजना हम लोगों ने प्रस्तुत करने के लिए कहा है और मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान चल रहा है इस पर पहले की तुलना में बहुत काम हुआ है। जो बचा है प्रयागराज कुंभ के पहले पहले हम उस काम को भी पूरा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, यहां पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायकगण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए मां गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी, उसके लिए हम लोग अपने पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है, जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं हम लोग, इसको गंगा एक्सप्रेस वे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, यह जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हो, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था,
और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीर हरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह दूर करते हुए एक आह्वान किया था, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधीकरण समाप्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आभारी हूं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश की जनता जनार्दन का, कि हम लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज ऐसा बना के रख दिया है कि पूरे देश के अंदर कानून का राज के बारे में जब चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की सब लोग चर्चा करते हैं। बेटी सुरक्षित हो जाए, व्यापारी सुरक्षित हो जाए, अन्नदाता किसान खुशहाल हो जाए और युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जीने लग जाए तो विकास इसी प्रकार से सरपट दौड़ता हुआ दिखाई देता है जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आखिर यही उत्तर प्रदेश था, 2017 के पहले बीमारू राज्य कहलाता था। लोग ये मानते थे कि देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है यूपी, लोग ये मानते थे यूपी तो ब्रेकर है, लेकिन हमने उसी ब्रेकर को दुरुस्त करते हुए देश का ब्रेक थ्रू बना दिया, डेवलपमेंट का ब्रेक थ्रू बनकर के आज ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी काम कर रहा है। और यूपी कानून व्यवस्था के मामले में ही नहीं अपने अन्नदाता किसानों के लिए भी बेहतरीन सुविधा देने वाला राज्य बनकर के उभरा है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के बारे में पहले कौन चर्चा करता था, यूपी के बारे में यहां जाति की चर्चा होती थी, मत और मजहब की चर्चा होती थी, विकास की चर्चा नहीं होती थी, किसान की चर्चा नहीं होती थी, युवा की चर्चा नहीं होती थी, महिलाओं की चर्चा नहीं होती थी, धामों की चर्चा नहीं होती थी, आस्था की चर्चा नहीं होती थी। आज तो विकास की योजना का लाभ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सबको समान रूप से प्राप्त हो रही है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में डबल इंजन की सरकार 56 लाख गरीब को सिर ढकने के लिए छत दे दे, एक एक मकान दे दे, आज यूपी के अंदर 7 वर्ष के अंदर मात्र कार्य पूरा करके दिखाया गया। कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बने, आज 3 करोड़ गरीब के घर में शौचालय बन गए। कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, हम लोगों ने 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान के कार्ड प्रदेश के अंदर जारी कर दिए हैं, 5 करोड़ औरों को देने की तैयारी चल रही है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में एक फैमिली आईडी कार्ड जारी हम करने जा रहे हैं। ये फैमिली आईडी कार्ड जिस परिवार के पास आवास नहीं होगा उसको आवास देगा, जिसके पास शौचालय नहीं होगा शौचालय देगा, जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उसको वह सुविधा दी जाएगी, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन देंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा एक कार्ड से उसका सारा कार्य हो जाएगा, और जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको रोजगार भी देने का कार्य फैमिली आईडी उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में इतने भारी पैमाने पे निवेश आएगा, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव और उसका पहले चरण में ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी इसी फरवरी माह में रखा गया है, पहले रखा जा चुका है। यानी इतने बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव का मतलब 35 लाख नौजवानों को नौकरी तत्काल उपलब्ध होगी, और 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे 1 करोड़ से अधिक 1.10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। हमारा यूपी का नौजवान अब यूपी से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर का व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए यूपी में आएगा। और आपके लिए
गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब नोएडा की तर्ज पर नया शहर जो विकसित होने जा रहा है वह कानपुर और बुंदेलखंड के बीच में, झांसी के बीच में हो रहा है। आपकी कनेक्टिविटी बेहतर बन सके इसके लिए, फरुखाबाद वंचित न रह सके इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास भी है और विरासत का संरक्षण भी है। कोई सोचता था बाबा नीम करोड़ी की कोई बात करेगा? कोई सोचता था कि संकिसा की चर्चा कोई करेगा? यहां तो विवाद खड़ा किया जाता था, आज विवाद शांत हुआ है, समाधान हुआ है। हम समस्या पर नहीं समाधान पर विश्वास करते हैं और उसी समाधान के लिए को लेकर के भी आते हैं। हमारा यह मानना सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम हो सकता है और हर हाल में समस्या का समाधान करना सरकार का काम होना चाहिए। इसके लिए डायलॉग हो, हम उसका माध्यम उसको अपनाते हैं। जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं उन तरीकों को अपना करके जनता जनार्दन की समस्या का समाधान करेंगे, उसको हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और उसी समाधान के नाम का परिणाम है आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। मुझे 7 तारीख को आना था और 7 मार्च को जब आने का कार्यक्रम बन रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख तक आचार संहिता लागू हो जाए, तो मुझे मुकेश राजपूत जी ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नहीं नहीं अभी तो जो है यहां पे जो है हम वहां अयोध्या धाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा भी अयोध्या धाम बहुत आवश्यक है, 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुए, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सब पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अयोध्या धाम जरूर जाना चाहिए, मैं उसके बाद मनाता हूं कार्यक्रम। और आज भाइयों बहनों, आज 1 सप्ताह के अंदर ही मैं आपके पास आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि फरुखाबाद के लोग यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करके आ गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी, यही अंतर है। जब गलत लोग सत्ता में आते हैं राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब सही सरकार आती है, अच्छी सरकार आती है, संवेदनशील सरकार आती है, राम भक्तों को सिर माथे पर बिठा करके राम दर्शन, भगवान राम का दर्शन कराने के लिए लेकर के जाती है। आज तो अयोध्या में आपने देखा होगा कितना भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का विराजमान, क्या दिव्य और भव्य मूर्ति है। अयोध्या आधुनिक अयोध्या के रूप में विराजमान हो चुकी है। ये सभी कार्य इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने सही फैसला किया, एक फैसला अयोध्या में राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दी, एक वोट गंगा एक्सप्रेसवे को आपके फरुखाबाद तक लाने की तैयारी कर रही है, एक वोट आपको सुरक्षा का आश्वासन दे रही है, एक वोट आपको रोजगार की गारंटी दे रही है, एक वोट आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। और उसी आश्वासन के साथ आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। यह जितना माहौल बदला है बहनों और भाइयों, यह इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व देश को है। हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है, हमने 2014 के पहले के उस भारत को भी देखा है जहां दुनिया में सम्मान नहीं था, देश में अविश्वास था, योजनाओं का लाभ लोगों को चेहरा देख करके दिया जाता था, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अविश्वास का वातावरण था, हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था, गरीब को योजना का लाभ नहीं मिलता था और विकास की योजनाएं कोसों दूर थी। आज तो ऐसा नहीं है, आज तो आपकी आस्था का सम्मान भी हो रहा है और नौजवान के लिए आजीविका की व्यवस्था भी हो रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी आ रहे हैं और विरासत का सम्मान भी हो रहा है, आज तो सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी बन रहा है
और समृद्धि के लिए भी सरकार के द्वारा नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। आज यही इसी का परिणाम है, 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और जिस स्पीड से वर्तमान में उत्तर प्रदेश चल रहा है, वह दिन दूर नहीं जिस दिन उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। उत्तर प्रदेश का नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनने का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली, हर प्रकार की सुविधाओं से उसका आच्छादन होना, हर प्रकार की सुविधाएं उसको प्राप्त होंगी। और इसके लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन का ही आज परिणाम है कि देशवासी आज एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। हर देशवासी का एक संकल्प बना है। क्या संकल्प है देशवासियों का? विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए फर्रुखाबाद का विकसित होना भी आवश्यक है। फर्रुखाबाद के विकसित होने के लिए एक एक गांव, एक एक नगर निकाय को विकसित होना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ आगे बढ़ेंगे तो विकसित भारत को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में इसलिए पूरे देश से एक आवाज आ रही है, और वो आवाज है 24 के लिए, और वो आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। यही संकल्प हम सबका, हर भारतवासी का बनना चाहिए। आप क्या सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो क्या मुकेश राजपूत जी को पिछली बार से ज्यादा वोट से जिता के भेजेंगे? सभी लोग सहमत हैं ना? ये बांटने वाले और कांट छांट करने वाले लोगों पे विश्वास तो नहीं करेंगे ना? जिन लोगों ने कर्फ्यू लगाया था, जो लोग विकास में बाधक थे, जो लोग युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे, जो लोग तुष्टीकरण की नीति पर चल करके प्रदेश की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे थे, उनके बहकावे में तो नहीं आओगे ना? याद रहेगा ना कि फिर एक बार मोदी सरकार? सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, मैं भी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये 288 करोड़ तो होली का उपहार है, और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के लिए फिर हम लोग यहीं पे आएंगे, चिंता मत करो। सभी लोग सहमत हैं ना? तो फिर सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आप प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।